गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट, ओपन योर साइंस बुक एंड ओपन लेसन थर्ड. लेसन थर्ड है बच्चा आपका प्लांट गिव अस फूड, यानी कि जो प्लांट्स है, प्लांट से हमें क्या मिलता है, भोजन मिलता है. ये पेज नंबर 15 में है. तो पेज नंबर 15 आप ओपन करेंगे तो कल हमने पढ़ा था प्लांट्स गिव अस फूड में फ्रूट्स के बारे में, कि क्या है कि कुछ प्लांट्स हैं वो हमको फ्रूट्स देते हैं. फ्रूट्स बहुत टेस्टी होते हैं, हम इन्हें कच्चा भी खा सकते हैं. जो फ्रूट्स होते हैं वो हमारी हेल्थ के लिए क्या होते हैं, बहुत ही न्यूट्रिशन होता है इस पे, बहुत ही न्यूट्रिशन होता है. ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है. ठीक है, फ्रूट से बहुत चीज़ें बनती है, लाइक जैम बनता है, हमारे जूस बनता है, पिकल्स इनके अचार बनता है ना. फिर हमने पढ़ा था इसमें वेजिटेबल्स के बारे में कि जो जितने प्लांट्स होते हैं, प्लांट से हमें क्या मिलती है, सब्जियाँ मिलती हैं, है ना. जैसे कॉलीफ्लावर, कैरेट, टर्निप, टोमेटो, पोटैटो, ये सब कहाँ से मिलता है, ये सब हमको कहाँ से मिलता है, प्लांट से ही मिलता है. और फूड ग्रेन्स हमारे जो अनाज होते हैं वो भी हमें कहाँ से मिलते हैं, हमें प्लांट से ही मिलते हैं. इनसे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है. आज आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 17 ओपन करिए. पेज नंबर 17 में है पल्सेस, यानी कि दालें. ठीक है बच्चा, वी गेट पल्सेस दाल फ्रॉम प्लांट्स, पीस, ग्राम, राजमा, मूंग एंड अरहर, वी आर पल्सेस. बच्चा आपको पता है कि जो हम खाना खाते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, दाल भी खाते हैं. तो आपको कभी पता है कि जो दाल होती है वो कहाँ से आती हैं? हम मार्केट से दाल खरीदते हैं, लेकिन मार्केट में तो कहाँ से आती होंगी वो दाल? वो दाल होती हैं पौधों में ही होती हैं, यानी कि पौधे दाल के भी क्या होते हैं, अलग अलग पौधे होते हैं. जो हमारे किसान होते हैं वो दाल उगाते हैं और उन्हीं दाल को हम खाते हैं. तो जिस प्रकार से आपने चावल खाते हैं तो चावल का भी क्या होता है, एक पौधा ही होता है. ठीक है, धान जिसे बोलते हैं, है ना, और बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, भुट्टा हो गया, ये सब क्या होते हैं, इन सब के पौधे होते हैं. तो इसी प्रकार दाल के भी क्या होते हैं, पौधे होते हैं. जैसे राजमा, राजमा की दाल होती है तो राजमा का भी एक पौधा होता है. अरहर होती है, ग्राम चना होता है, तो इन सब के क्या होते हैं, पौधे होते हैं. तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि हम जितनी भी दाल खाते हैं वो भी हमको कहाँ से मिलती है, वो भी हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है. नट्स, नट्स बच्चा आपकी जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, हम लोग ड्राई फ्रूट्स खाते हैं ना, वी गेट नट्स फ्रॉम सम प्लांट्स. कुछ जो पौधे होते हैं उनसे हमें क्या मिलते हैं, नट्स मिलते हैं. ठीक है, नट्स आर कॉल्ड आल्सो कॉल्ड ड्राई फ्रूट्स. नट्स को हम ड्राई फ्रूट्स भी कहते हैं, जैसे वॉलनट, आलमंड्स, कैस्टू एंड पीनट्स, यानी कि मूंगफली हो गया, हमारा काजू हो गया, बादाम हो गया, अखरोट हो गया. ये कहाँ से मिलता है हमें, इसके भी क्या होते हैं, पेड़ होते हैं. अखरोट के पेड़ बहुत बड़े बड़े होते हैं, अखरोट के पेड़. बादाम, बादाम ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, कश्मीर में पाया जाता है. ठीक है, जैसे हम यहाँ क्या खाते हैं, यहाँ आड़ू का एक फल होता है, तो आड़ू के अंदर क्या निकलता है, एक बीज निकलता है. तो उसी प्रकार से क्या होता है, बादाम भी होता है. तो अगर आप आड़ू का बीज फोड़ेंगे तो उसके अंदर से भी एक छोटा सा और बीज टाइप का निकलता है. तो आड़ू का बीज तो क्या होता है, कड़वा होता है, लेकिन बादाम का बीज बहुत ही स्वादिष्ट होता है. तो इसी प्रकार से काजू होता है, मूंगफली, आपको पता ही है मूंगफली कहाँ होती है, मूंगफली जो हमारी होती है वो मिट्टी के नीचे होती है, रूट में लगती है. ठीक है, तो फिर इनको खोद के फिर इस कच्ची मूंगफली को भूनते हैं और वही भुनी मूंगफली हमको मिलती है मार्केट में, वो हम खाते हैं. तो ये सब जितने भी नट्स हैं वो कहाँ से मिल रहे हैं हमें, वो प्लांट से ही हमको मिल रहे हैं. एडिबल ऑयल यानी कि खाने वाला जो तेल है, जो तेल हम खाते हैं, वी गेट एडिबल ऑयल फ्रॉम द सीड्स ऑफ सम प्लांट्स एंड ट्रीज. यानी कि कुछ जो हम जो खाने वाला तेल है उसके तेल जो वो निकलता है बीज से. ठीक है ना, बीज अलग अलग पौधों के जो बीज होते हैं उनसे क्या बनता है, तेल निकलता है. अब जैसे लाइक कोकोनट ऑयल है, कोकोनट यानी कि नारियल, तो जो नारियल होता है आपने देखा होगा सूखा नारियल होता है, तो उससे हमें क्या मिलता है, नारियल का तेल मिलता है. नारियल का तेल हम दोनों चीज़ों में यूज़ करते हैं, हम उसको बालों में लगाते हैं, खाने के लिए भी नारियल का तेल यूज़ होता है. सनफ्लावर, सनफ्लावर यानी कि सरसों का तेल. तो सनफ्लावर आपको पता ही है कि जो सूरजमुखी का तेल है इसको भी हम क्या करते हैं, खाने के लिए यूज़ करते हैं. और
मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल भी हमारा सरसों का तेल है, तो ये हम खाने के लिए यूज़ भी करते हैं और बालों के लिए भी यूज़ करते हैं। मोस्टली कोकोनट ऑयल हम ज़्यादातर खुशबू यानी कि अपने बालों पे लगाते हैं या बॉडी में लगाते हैं, तो ये इस प्रकार तेल जो हमें है, तो तेल भी हमें कहाँ से मिलते हैं, जो अलग अलग प्रकार के जो प्लांट्स हैं उनके बीजों से हमको तेल मिलते हैं। आपको पता है इसमें मूँगफली का भी तेल होता है, ठीक है। अब पेस्ट टर्न करते हैं अदर थिंग्स फ्रॉम प्लांट्स। अब और चीज़ें क्या मिलती हैं हमको, जो पेड़ पौधे हैं वो हमको बहुत सारी चीज़ें देते हैं। वी गेट कॉफ़ी एंड टी फ्रॉम प्लांट्स। तो बच्चा जो हम घर में कॉफ़ी पीते हैं, टी पीते हैं, चाय पीते हैं, तो ये भी कहाँ से मिलता है, ये भी हमको प्लांट से यानी कि पौधों से ही मिलता है। वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर कैन प्लांट्स। और जो चीनी हम खाते हैं, चाय में डालते हैं, जूस में डालते हैं, तो वो चीनी कहाँ से मिलती है, वो चीनी हमें मिलती है, उसका भी एक प्लांट होता है शुगर कैन यानी कि गन्ना। हम जो गन्ना खाते हैं, गन्ना चूसते हैं, गन्ने का जूस पीते हैं, तो उसी गन्ने से हमारी क्या बनती है, चीनी बनती है। प्लांट आल्सो गिव अस स्पाइसेस लाइक पेपर, टर्मरिक, कैंडन, जिंजर एंड क्यूमिन सीड्स। तो यानी कि जो पेड़ पौधे हैं इनसे हमें क्या मिलते हैं, स्पाइस यानी कि मसाले भी मिलते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या हो गया, इलायची हो गई, जीरा हो गया, हल्दी हो गई, काली मिर्च हो गई, अदरक हो गया, ये सारे मसाले भी हमको कहाँ से मिल रहे हैं, पेड़ पौधों से ही मिल रहे हैं। इनके भी क्या होते हैं, प्लांट होते हैं। तो इस प्रकार देखा आपने, जो हमारा प्लांट होता है वो हमारे लिए कितना यूज़फुल होता है। उससे हमें फ्रूट्स मिल रहे हैं, उससे हमें वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, फूड ग्रेन्स मिल रहे हैं, है ना, पल्सेस, नट्स, एडिबल ऑयल, और हमें शुगर मिल रही है, कॉफ़ी मिल रही है, टी मिल रही है, और हमें स्पाइसेस मिल रहे हैं। तो देखा आपने किस प्रकार से प्लांट हमारे लिए यूज़फुल है। अब एक बार इसके लेटेस्ट रिमेंबर भी देख लेते हैं, हमने इस चैप्टर में पढ़ा क्या। वी गेट डिफरेंट फूड फ्रॉम प्लांट्स। हमको अलग अलग प्रकार का भोजन कहाँ से मिलता है, पेड़ पौधों से मिलता है। प्लांट गिव अस फूड्स। पौधे हमको फल देते हैं। प्लांट गिव अस वेजिटेबल्स। प्लांट हमको सब्जियां देते हैं। प्लांट गिव अस फूड ग्रेन्स लाइक वीट, राइस एंड पल्सेस। प्लांट से हमें फूड ग्रेन्स अनाज मिलता है, जैसे क्या बोलते हैं, चावल, गेहूँ, है ना, और दालें। प्लांट गिव अस एडिबल्स। खाने का जो तेल होता है वो भी हमें किससे मिलता है, प्लांट से मिलता है। प्लांट गिव अस कॉफ़ी, टी, शुगर एंड अदर फूड आइटम। अब प्लांट से हमें कॉफ़ी, चाय, चीनी और भी खाने की चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया है। आई होप आपने बहुत कुछ इसमें समझा होगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होगी तो वो मुझे बता सकता है। तो आप क्या करिएगा, इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करिएगा, आप देखिएगा कि हमें किस किस क्या क्या चीज़ें एक प्लांट से मिलती हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। ओके।